हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की डेट में आपको सबसे ज़्यादा कौन जानता है, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार? नहीं, आपका फ़ोन और आपका इंटरनेट। उसे तो ये भी पता है कि आप क्या खाते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है। तो ऐसे कंडीशंस में आप अपने आप को और अपने फ़ोन को सेफ कैसे रखेंगे? तो चलिए वीडियो देखते हैं। आप रोज़ तरह तरह के वेबसाइट्स विज़िट करते हैं, तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि उनके URL में आपको HTTPS ये होना चाहिए। ये S बहुत इम्पोर्टेंट है। इस S का मतलब है सिक्योर सर्टिफिकेशन। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलता है कि लॉग इन विथ गूगल, लॉग इन विथ फेसबुक, और आप उसी से उसमें लॉग इन हो जाते हैं। मतलब आप अपने फेसबुक के सारे डिटेल्स या अपने जीमेल के प्राइमरी अकाउंट के सारे डिटेल्स उस वेबसाइट्स को दे चुके हैं और वो चाहे तो आपके सारे डिटेल लेके उड़ जाए। तो ऐसे वेबसाइट्स में विज़िट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप उसके लिए एक फ्रेश जीमेल अकाउंट बना लीजिए और उससे इसमें लॉगिन कीजिए। और कहीं पर भी अगर फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है तो ऐसा नंबर बिल्कुल भी मत दीजिए जो नंबर किसी भी बैंक में या कहीं पर भी लिंक हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट सेफ्टी टिप जानते हैं। आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं? यहाँ बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र्स हैं जो आपको 2x, 3x, 4x मोर डाउनलोडिंग स्पीड ऑफर करते हैं और ये फास्ट होते भी हैं, वो भी फ्री में। क्या आपको लगता है कि आज की डेट में कुछ भी फ्री में मिलता है? तो हमेशा सेफ ब्राउज़र यूज़ कीजिए। आप अपने फ़ोन में कभी भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल मत कीजिए। थर्ड पार्टी ऐप से मेरा मतलब है ऐसे ऐप्स जो गूगल प्ले स्टोर के बाहर के ऐप्स हैं, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में एक फ़ीचर होता है प्ले प्रोटेक्ट का। मतलब वो सारे ऐप्स को पहले चेक करते हैं, फिर प्ले स्टोर में उसे लिस्ट करते हैं। फिर भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐप्स को गूगल बाद में डिलीट कर देते हैं। मतलब इनिशियली जब गूगल इन ऐप्स को नहीं पकड़ पा रहा है तो आप और हम इसे क्या समझेंगे? आपको ऑफर लिंक्स आते हैं, आपने 5,000 रुपये जीत गया, आपने 50,000 रुपये जीत गए, आपको कार मिल गई, ये आपको मैसेजेस में मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगे, आपको फेसबुक में मिल जाएंगे। इसमें एक लिंक होता है, इन लिंक को आप कभी 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 भी बिल्कुल भी ना खोलिए और इस मैसेज को तुरंत डिलीट कीजिए। आपके फ़ोन में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं, हमेशा अपने फ़ोन को अपडेटेड रखिए क्योंकि इसमें सिक्योरिटी पैच आपको मिलता है। इससे आपके फ़ोन में वायरस और मालवेयर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब आप घर से बाहर होते हैं तो आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं, इसे अवॉइड कीजिए और अपने फ़ोन के इंटरनेट को ही यूज़ कीजिए। फिर भी किसी कंडीशन में आपको पब्लिक वाईफाई यूज़ करना पड़ रहा है तो मेक श्योर आप उस समय किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल भी ना करें। आप ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, आप NFC यूज़ करते हैं, बट यूज़ करने के बाद उसे ऑफ़ करना भूल जाते हैं। बाई चांस ये गलती से किसी दूसरे फ़ोन से पेयर्ड हो जाए तो ये आपके फ़ोन के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। तो आप हमेशा इन्हें यूज़ करने के बाद ऑफ़ कर दीजिए। तो ये थे कुछ सेफ्टी टिप्स जिसे आप यूज़ करके अपने फ़ोन को और ख़ुद को सेफ रख सकते हैं। हमेशा याद रखिए, टेक्नोलॉजी वरदान भी है और अभिशाप भी। तो आप हमेशा स्मार्टली इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कीजिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक सेफली अपना फ़ोन यूज़ कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। बाय बाय।